प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह प्रभु की जो आपको और मुझे मिली है, दिल की गहराई से धन्यवाद दीजिए। आमेन। यह प्रभु की सुबह मेरे प्रियो, और आज हम शुरुआत कर रहे हैं पहले सैमुअल की पुस्तक, यानी सैमुअल के दो पुस्तक हैं, उसका जो पहला भाग है वो हम पढ़ेंगे, और सैमुअल 2 और पहला सैमुअल, दूसरा सैमुअल। लेकिन हर बार हमेशा की तरह, जैसा कि मैंने कहा कि हम जब पढ़ते हैं बाइबल को, पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को सुन लेना, समझ लेना ज़रूरी है। और इसीलिए हम यहाँ पे सैमुअल की पहली पुस्तक जो है, उस पहला भाग जो हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले यहाँ पर भूमिका क्या है, ताकि हमें ये समझ में आए कि आगे की पुस्तक, पूरी पुस्तक में होने वाला क्या है। ये सारांश है जो हम पहले ही पढ़ रहे हैं, जिसे पढ़ने से और हमें पुस्तक का समझने में सहायता मिले। राइट, आइए शुरुआत करते हैं। भूमिका में पहली लाइन से इस प्रकार से लिखा है, सैमुअल की पहली पुस्तक इसराइल देश में न्यायों के समय से लेकर राजतंत्र की स्थापना तक के परिवर्तन का विवरण प्रस्तुत करती है। इसराइल के राष्ट्रीय जीवन में यह परिवर्तन मुख्यतः तीन व्यक्तियों के चारों ओर घूमता था। ये हैं शमूएल महान, न्यायों में अंतिम न्यायी, शाऊल प्रथम इसराइल का प्रथम राजा, और दाऊद सत्ता में आने से पहले उसके ऐतिहासिक कार्यों का विवरण, और शमूएल और शाऊल के विवरण के साथ ही आपस में गुथा हुआ है, यानी कि खास तौर से तीन व्यक्तियों के बारे में है। अब जो हम अध्याय पढ़ने वाले हैं, 31 अध्याय जो इस बुक में है, इन 31 अध्याय में हम खास तौर से तीन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक और चीज़ है जो समझने वाली है, वो क्या है, जैसे पहली लाइन में लिखा है शमूएल की पहली पुस्तक इसराइल देश में न्यायों के समय से लेकर राजतंत्र की स्थापना के बारे में विवरण, जो हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, वो सब है। पता, जब आप ये 31 अध्याय पढ़ लेंगे मेरे साथ, जो मैं कोशिश करूंगा कम से कम समय में आपके साथ बांटूं, हर अध्याय एक दिन, तब आप सुनेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से अद्भुत अद्भुत चीज़ें यहाँ बदल रही हैं और स्थापित हो रहा है। व्यवस्थाएं बिगड़ी और बनी भी, और किस तरह से खड़ी हुई, यहोवा ने उन्हें कैसे संभाला, और उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध क्या काम किया, परमेश्वर ने उन्हें कैसे सिखाया और कैसे उनको खड़ा किया। दैट्स इंपॉर्टेंट, और इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। आगे इसके दूसरा पैराग्राफ में लिखा है, पुराने नियम की अन्य ऐतिहासिक पुस्तकों की तरह इस पुस्तक के विषय वस्तु भी यही है कि परमेश्वर के प्रति निष्ठा सफलता प्रदान करती है, जबकि अनाज्ञाकारिता घोर विपत्ति ले आती है। यह परमेश्वर द्वारा याजक एली से कहे गए वचनों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। परमेश्वर कहता है, जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। यानी कि बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, आप जिस रीति से परमेश्वर के पास आते हो, जिस मंशा से, जैसे आप परमेश्वर के पास आते हो, उसका प्रतिफल आप उसी रीति से प्राप्त करेंगे। सीधे शब्दों में, परमेश्वर ने आपको कुछ व्यवस्थाएं दी हैं, कुछ काम दिए हैं। ये व्यवस्थाएं वो नहीं है जो आपको बांधने के लिए या आपको नियम कानून में करने के लिए। नए नियम में हम आजाद हो गए हैं, हम आजादी तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। पहले तो सिर्फ अपने शरीर के कामों से छुटकारा मिल जाया करता था, एंड दैट वॉज टेम्पररी, हर बार वो करना होता था, उसके लिए एक नियुक्त समय पर वो दोबारा करना है, लेकिन अब परमानेंटली है। लेकिन इसके लिए हम एक आत्मिक उन्नति के जीवन को चाहिए, जो अब खुद परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर हमारे जीवन को नापने वाला है। राइट, इसलिए अब ये अनुग्रह बहुत आसान हो गया है। पहले हमें शारीरिक कार्यों से ये सब कुछ करना पड़ता था, लगभग ये समझ लीजिए कि हमें कमाना पड़ता था, लेकिन अब ये आपको आत्मिक रीति से करना, जो और भारी है, परंतु ये सबसे आसान भी है। आमेन, हालेलुया, गॉड इज ब्रिंगिंग दैट। और इसीलिए प्रभु के वचन में यहां पर ये जो है शिक्षा दी गई है, ये सिखाया गया है, और ये एली याजक जो है, याजक के द्वारा बता दिया गया है, एली याजक के द्वारा परमेश्वर ने इसराइलियों पर प्रकट कर दिया है। आज ये आप पर और मुझ पर भी प्रकट है। क्या है, सीधे शब्दों में, तुम जिस प्रकार से मेरे साथ रहोगे, मैं भी तुम्हारे साथ उसी प्रकार से रहूंगा। तीसरा भाग जब हम देखते हैं तो लिखा है, इस पुस्तक में राजतंत्र की स्थापना के विषय में मिश्रित मनोभावों, यानी कि मन की इच्छाएं, जो मनोभावों का वर्णन मिलता है, किस किस प्रकार से जो भावनाएं घटी थी और क्या क्या बातें थी, मन की इच्छाएं थी, अपनी इच्छाओं में और दूसरी बातों में, उन सब मनोभावों के बारे में पता चलता है। परमेश्वर स्वयं इसराइल का वास्तविक राजा माना जाता था, मतलब क्या, आगे पढ़ते हैं, परंतु लोगों की विनती के उत्तर में, नोटिस किया आपने, परंतु लोगों की विनती के उत्तर में, यानी परमेश्वर इसराइल का राजा माना जाता था, लेकिन अब लोगों ने
परमेश्वर को छोड़कर एक विनती की है परमेश्वर से। क्या की है विनती? परमेश्वर ने उनके लिए एक राजा चुना। उत्तर में क्या है? जब उन्होंने परमेश्वर से बोला कि नहीं प्रभु हमें एक राजा दे दे, क्या तुम जानते हो तुम क्या क्या मांग रहे हो? राजा तुम्हें चाहिए? राजा तुम्हारे साथ क्या करेगा? हम पढ़ेंगे आगे इस बारे में। इसमें उन्होंने जब परमेश्वर से मांगा तो परमेश्वर ने उनके लिए एक राजा चुना। महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि इसराइल का राजा और प्रजा दोनों ही परमेश्वर की प्रभु सत्या और न्याय की अधीनता में रहते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। रहते थे, रहना था और रहना ही होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने किस तरह के बर्ताव किए वो 31 अध्याय में हम सुनेंगे, सीखेंगे। परमेश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत समान रूप से धनी और गरीब सभी लोगों के अधिकार सुरक्षित रखे जाने थे। किसको क्या अधिकार है, किसको क्या काम है, वो सारी बातें इसमें थी और ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। आइए सीखेंगे परमेश्वर के वचन से अगली सुबह से, ताकि हम ये सारे भाग आत्मिक रीति से सुने, सीखे, समझे और बढ़े। आमेन। प्रभु आपके साथ हो, प्रियो संगति करो, आगे बढ़ो। अगली सुबह मिलेंगे अध्याय 1 के साथ। आमेन। चैम सीखे। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।